मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रहीमपुरा से एक बच्चे के अपहरण का मामला संज्ञान में आया था, जो अपनी दादी के साथ रह रहा था, जिसकी सूचना थाना कोतवाली पर दी गई थी, जिस पर थाना प्रभारी ने 363 के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू की। वहीं विवेचना में इस बात का खुलासा हुआ कि बच्चे की मां पिंकी उसे अपने साथ गुजरात ले गई थी, जिसके बाद पुलिस बच्चे को खरगोन लेकर आई और बच्चे को उसकी दादी के सुपुर्द किया है। इसी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने पिंकी को हिरासत में लिया और 164 के तहत न्यायालय में बयान कराया। इस दौरान मीडिया से खास बातचीत में थाना प्रभारी ने बताया कि चूंकि बच्चे पर माँ का हक बनता है, इसलिए लॉजिकल कार्यवाही की गई है। खरगोन से तिवारी रिपोर्ट। विगत दिनों रहीमपुरा से 3 वर्षीय बच्चा गायब होने की सूचना थी, जिस पर हम लोगों ने अपहरण का मुकदमा कायम किया था। बहुत ही संवेदनशील मामला था और उसकी बहुत ज़्यादा जल्दी से प्रयास किए जाकर उसके तह में पहुंचने पर पता पड़ा कि उसकी माँ स्वयं की, जो उससे करीब 2 महीने से लग रही थी, बच्चा दादी के पास रह रहा था, उसके लेकर पोरबंदर चली गई थी। वहाँ किसी बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी और हम उसको बुलाए कि भाई आपको आगे यहाँ बयान देने पड़ेंगे। तो आज पिंकी बच्चे को लेकर आ गई है, उसके कोर्ट में 164 के तहत हम लोग बयान करा रहे हैं। वो अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है और इस प्रकरण में अब चूँकि उसको अधिकार है बच्चे को रख सकती है, तो खारिजी कथा की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।